वो लाखों की संख्या में उड़कर आते हैं और देखते ही देखते महीनों की मेहनत से उगाई गई अन्नदाताओं की फसल को चट कर जाते हैं। कोरोना काल में लोग वायरस के अटैक से नहीं संभाल पाए थे कि टिड्डियों की आफत ने मुसीबत को और बढ़ा दिया। कई राज्यों में फसल तबाह कर चुकी इन टिड्डियों पर किसानों की तो नजर है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने मन की बात में आज कहा, टिड्डियों के हमलों से परेशान सभी लोगों की मदद की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों को आगाह किया कि एक छोटा सा जीव भी कितना नुकसान पहुंचा सकता है। देश के कई हिस्से टिड्डियों या लोकस्ट के हमले से प्रभावित हुए हैं। इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि एक छोटा सा जीव कितना नुकसान करता है। टिड्डी दल का हमला कई दिनों तक चलता है, बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, कृषि विभाग हो, प्रशासन भी इस संकट के नुकसान से बचने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए आधुनिक संसाधनों का भी उपयोग कर रहा है। कुदरत का यह प्रकोप देश के अलग अलग राज्यों में कैसे बरप रहा है, ये हम आपको दिखाते हैं। राजस्थान के 24 जिलों में टिड्डी दल मुसीबत बना हुआ है। टिड्डी अटैक ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसान परेशान है तो परेशानी कृषि विभाग के सामने भी खड़ी है कि टिड्डियों पर काबू कैसे पाया जाए। फिलहाल कोटा संभाग के चारों जिले टिड्डी प्रभावित हैं। कोटा शहर में भी टिड्डी दल घुस चुका है, जिससे पूरे शहर में दहशत बनी हुई है। पूरे देश भर में टिड्डी का आतंक है तो राजस्थान के 24 जिले टिड्डी से परेशान है। फिलहाल कोटा संभाग में भी टिड्डी दल की एंट्री हो चुकी है और कोटा के 12, झालावाड़, बूंदी और कोटा शहर टिड्डी से मुसीबत में घिरा हुआ है। फिलहाल तस्वीरें देखेंगे कोटा शहर के वल्लभ नगर इलाके की, जहां पर ये पेड़ पूरी तरह से टिड्डियों से अटा पड़ा है। ये गार्डन है वल्लभ नगर इलाके का और इस आसमान के अंदर आपको चारों तरफ फैली हुई टिड्डियां नजर आएंगी, ये फैला हुआ टिड्डी दल नजर आएगा। कृषि विभाग की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार जो पूरी रात है एक ऑपरेशन चला, जिसके बाद में इनको मारने के लिए जो पावर स्प्रे के जरिए केमिकल का जो छिड़काव है वो किया गया। इस इलाके के जिलों में अचानक टिड्डियों का हमला होता है। मध्य प्रदेश से राजस्थान में टिड्डी दल घुसा तो किसानों में दहशत फैल गई। टिड्डियों का गांव में प्रवेश रोकने के लिए लोग घरों से बाहर निकलकर अपने अपनी छतों से थाली और घंटियां बजाने लगे। अब ये टिड्डी दल गांव से शहरी इलाकों का रुख भी कर रहे हैं। जोधपुर के कई इलाकों में टिड्डी दल ने डेरा डाल रखा है और शहरों के बीच में स्थित पार्कों की हरियाली को चट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर बार टिड्डियां ही किसानों को नुकसान पहुंचा रही हो। टिड्डियों से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड के वाहन से उन पर केमिकल स्प्रे किया जा रहा है। टिड्डी दल कल रात को 8:30 बजे के आसपास से मोटरसाबगढ़ क्षेत्र में ग्राम चांदपुर और कुंडला की ढाणी और प्रतापगढ़ के आसपास जंगलिक की पहाड़ी के आसपास देखा गया। उसका हमने शाम को उसका रेस्क्यू किया गया, जिसमें हमारे 3 दमकल गाड़ियां और 11 ट्रैक्टर माउंटेन स्प्रेयर थे और सभी कृषि अधिकारी, राजगढ़ स्टाफ और जिला स्टाफ और थानागाजी स्टाफ, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सब मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में पहुंची टिड्डियों की संख्या 2 से 3 करोड़ बताई जा रही है। जिले के अलग अलग हिस्सों में टिड्डी दल 6 दिनों से उत्पात मचा रहा है। खेती और बागवानी पर टिड्डियों की वजह से काफी खतरा मंडरा रहा है। जिला प्रशासन ने केमिकल, फायर ब्रिगेड समेत कई माध्यमों से इन पर नियंत्रण करने की रणनीति बनाई और टिड्डियों को रात में निशाना बनाया गया। पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश के रास्ते झांसी पहुंचा तीसरे विशाल टिड्डी दल में से लगभग 30 लाख टिड्डियों को खत्म कर दिया गया है। हरियाणा में भी टिड्डी दल के आने की सूचना पर किसान परेशान है। किसान अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से टिड्डियों के आक्रमण के बाद उनसे मुकाबला करना है। इसके लिए सरपंचों ने ग्रामीण स्तर पर किसानों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं। साफ है टिड्डियों की आफत किसानों के साथ साथ प्रशासन को भी काफी भारी पड़ रही है और जून में पाकिस्तान से टिड्डियों के दूसरे झुंड आने की खबर के बाद लोग और परेशान हैं। साफ है कुदरत की नाराजगी इन टिड्डियों के रूप में भी सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिमी। We'll be right back.